वही दूध पीकर पाला है जिस पर ये दहशत का जिंदा। हम जानते हैं कि ये शेर भी अमीर और मोमिनीन बनने की बातें करता था और मुला उमर जैसा जाली खलीफा बनना चाहता था। आज ये शेर इस मुल्क का बादशाह है और इस शेर ने अपनी गरज बदल दी है और आज ये शेर जमहूरियत की बातें करते हैं और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बनना चाहता है। चले हम मान लेते हैं कि आप ये शेर इंसानों के लहू नहीं पिएगा, हम ये भी मान लेते हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस धरती को दहशतगर्दों से निजात दिला। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि अगर जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश की गई तो वो उनके साथ खड़े होंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी जमहूरियत को कैसे खतरा लाहक है। मैं मेरा अंकल वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी ने जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश की तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जानते हैं कि जियाले नाराज हैं, लेकिन मायूस नहीं, जियालों को जो शिकवा है आइंदा ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि दोस्तों को कौमी इदारे नवाजना प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि पर्सनलाइजेशन है। आज मुल्क में उनकी हुकूमत है जिन्हें अपने वादों से फिर जाने की आदत है। बिलावल ने कहा कि कशकोल तोड़ने की बातें करने वालों ने कशकोल और बड़ा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के आज गढ़ी खुदाबख्श में खिताब।